नमस्कार दोस्तों, एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यार आज आ रखा हूं मैं अशोक विहार फेस 4 में, और यहीं सामने पड़ जाता है दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, और उसी के सामने अंकल जी लगाते हैं अपनी डोसे की कार्ट। तो जान लेते हैं डोसे के अलावा इनकी दुकान पर क्या क्या अवेलेबल हो जाता है। खाने का टेस्ट बताने वाला हूँ और इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अंकल जी से बात करते हैं। अभी यार दिन के करीबन 1:30-2 बज चुके हैं और यहाँ पे लोग बाग भी आने लग गए खाने के लिए, जो यहाँ पे आसपास जॉब करते हैं और या यहाँ पे काम करते हैं लोकल में। नमस्कार अंकल जी। अंकल नाम क्या आपका? मेरी स्वामी। अच्छा अंकल, कितना टाइम हो गया आपकी दुकान को यहाँ पे? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए हैं। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे आप? मैं घर पे रहता था। अच्छा, जब से रेडी लगा रहा हूँ। अच्छा, कार्ट लगा रहे हैं। तो अंकल आपकी दुकान पे डोसा मिल जाता है, उसके अलावा क्या क्या मिल जाता है? इडली है। इडली? अच्छा, इडली मिल जाता है। और वड़ा? सांभर वड़ा है। अच्छा, लेमन राइस है। लेमन राइस भी मिलता है यहाँ पे। अच्छा, बस ये चार आइटम है। और अंकल जी हमारे लिए एक डोसा लगा दो। डोसा क्वालिटी कौन कौन सी? मसाला डोसा? सिर्फ आलू। आलू, ठीक है। एक डोसा लगा दो हमारे लिए और एक लगा दो वड़ा, ठीक है, वड़ा सांभर। तो आप स्टार्ट कीजिए बनाना। तो यार ये इनका एक यहाँ पे छोटा सा कार्ट है, जस्ट अस्पताल यहीं के सामने पड़ जाता है, दीपचंद बंधु करके अस्पताल पड़ जाता है। तो अभी इसकी, हाँ नहीं, हमारे साथ ही हैं वो। तो ये है इनका कुछ सेटअप। ये क्या नारियल चटनी है? ये नारियल का है, ये टमाटर वाला है। टमाटर की चटनी? अच्छा, ये लेमन राइस है। अच्छा, ये लेमन राइस बना रखा है, ठीक है। लेमन राइस बना के अंकल ने प्रिपेयर करके पहले से, तो थोड़ा इधर आ जाता हूँ साइड में। नारियल की चटनी दे दो अभी, दे रहा हूँ। ये किस किस चीज़ से प्रिपेयर करते हो अंकल? ये चावल और दाल। चावल और दाल से प्रिपेयर होता है ये। तो ये यहाँ पे डब्बे में रखा हुआ है। और कितना टाइम लगेगा इसे बनने में? ये तो तवा जितना गर्म हो उतना जल्दी बन जाएगा। अच्छा, जितना तवा गर्म हो उतनी जल्दी बनेगा। और ये आलू मसाला है? ये आलू वाला। अच्छा, ठीक है। तो बिना लहसुन प्याज का? बिना लहसुन प्याज का, ठीक है, बिना लहसुन प्याज का। वैसे हम तो अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो जो नहीं खाता उनके लिए ठीक है। और ये डाल दिया इन्होंने ऊपर से, क्या ये रिफाइंड है? रिफाइंड है। कहाँ के रहने वाले अंकल जी आप वैसे? तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई के? तो फिर तो स्पेशलिटी वहाँ की है ही, डोसा सांभर तो वहाँ मिलता ही है ना, तो स्पेशलिटी वहाँ की यही है। ये भाई लग गया है आलू मसाला वाला पेस्ट। जीरा पाउडर? जीरा पाउडर, ठीक है। अंकल ये डोसे का प्राइस क्या पड़ जाता है? 50 रुपये। 50 रुपये। और जो वड़ा है, वड़ा सांभर? वड़ा 30 रुपये। वड़ा सांभर 30 रुपये है। और मिल जाते हैं इनके, एक और है ना आपके पास आइटम? इडली है। इडली 25 रुपये? हाँ 25 रुपये की इडली पड़ जाती है। तो ये हो गया हमारा डोसा बनके तैयार हो गया ये। तो ये हो गया हमारा आलू डोसा तैयार, और एक मैं सोच रहा हूँ कि वड़ा तैयार बनवा लेता हूँ अपने लिए। एक अंकल वड़ा कर देना है ना, एक प्लेट, तो साइड में रख दो, कहीं भी वहीं रख दो। तो लो जी, ये हो गया हमारा आलू डोसा तैयार बनके, और एक प्लेट करा रहा हूँ मैं अपने लिए वड़ा सांभर। तो देख लेते हैं कैसा टेस्ट होने वाला है, अशोक विहार के डोसे खाते हैं आज। ये डाल दी हुई ऊपर से नारियल चटनी, और ये इनकी टमाटर वाली चटनी। दीजिए अंकल जी, धन्यवाद अंकल जी। तो देख लेते हैं खाने में टेस्ट कैसा हो रहा है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, देख लो भाई लोगों। और अभी से टेस्ट करते हैं। और ये सामने पड़ जाता है हम मेरे दीपचंद बंधु हॉस्पिटल,
जस्ट उसी के सामने काट लगाते हैं अंकल जी। तो चलिए फिर इसे खा के बताते हैं कैसा है खाने में। तो यार ये देख लो, कुछ इस टाइप की इसकी शक्ल है डोसे की, आलू डोसा, और ये सांभर मसाला। और अभी इसका मैं फर्स्ट बाइट ले लेता हूँ। और अंकल जी साउथ से बिलोंग करते हैं तो कि पूरा यकीन है कि मेरे को इसका टेस्ट अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो साउथ के लोग होते हैं उनको बनाना ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ की है ये रेसिपी। तो ये है इनका सांभर, जिस मेरा फर्स्ट बाइट खा लेता हूँ। खाने में काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए यहाँ पे आके अशोक विहार में। डोसा बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आधा पका हुआ है, ऐसा कुछ बराबर है। सांभर भी इनका बढ़िया है खाने में, जिस हिसाब से प्राइस है 50 रुपये, बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके खाएं। और अभी ये इनका है, ये है इनका वड़ा सांभर। वड़ा सांभर खा लेते हैं इनका फर्स्ट बाइट में। तो यार ये पूरा भरा हुआ है, और इसका प्राइस बता दूं आपको, ये आपको पड़ने वाला है 30 रुपये का, जो कि मेरे को लगता है कि सही है इसका प्राइस। अरे टूट जा, तो थोड़ी जद्दोजहद तो लग रही है, खाने का भी मज़ा भी उसी हिसाब से आएगा फिर। बढ़िया बढ़िया, और क्या खाने के लिए, 30 रुपये इसका प्राइस पड़ जाएगा। सांभर का टेस्ट भी बढ़िया लग रहा है मेरे को, और जो बड़ा है, बड़ा का भी टेस्ट बढ़िया है। आप यहाँ पे आइए। ये है यार अंकल जी कार्ट, और ये है सामने आपका दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, तो उसी के जस्ट सामने लगाते हैं अंकल। इडली सांभर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे बड़ा सांभर हो गया, डोसा हो गया, और लेमन राइस भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये है इनके यहाँ पे, देख लो, देखने में बिल्कुल सबकी शेप बराबर है। और ये यहाँ पे प्रिपेयर चल रहा है, तो कुछ इस टाइप का इनका कार्ट लगता है। फाइनली यार मैंने खा लिया है, और खाने में बहुत लाजवाब हो रहा था, थोड़ा सा स्पाइसी था, बट आप खा सकते हैं यहाँ पे। और अंकल साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो यार साउथ इंडियन डिश ही मानी जाती है डोसा सांभर। तो यार मेरा रिकमेंड है कि आप यहाँ पे ज़रूर आए और ट्राई करें। और ये सामने अस्पताल मैंने बता ही दिया आपको। होप यार आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी स्वादिष्ट वीडियो में, बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।